नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देतलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है 4D सीरीज में। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देतलिया। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए डेली एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन लेके आता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कैसे कर पाए। ठीक है, तो अभी आज जो आज की क्लास में मैं आपके लिए जो सॉल्यूशन क्वेश्चन एक लेके आया हूँ, एक प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा आज का है कि ए शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹600 ऑन एन आर्टिकल एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%। व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस सो दैट ही गेन्स ₹220 ऑन द आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 6,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को 25% की छूट देकर उसको बेचता है तो उसको 10% हानि होती है, और उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि वस्तु पर उसको ₹220 का लाभ हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 6,000 रुपये की कोई वस्तु है जिसका एक वस्तु खरीदी उसने, जिसका जो उसका प्राइस है उसका 6,000 रुपये लगाया उसने, और उसके ऊपर 25% डिस्काउंट वो देता है तो उसको 10% की हानि होती है। तो अगर उसको ₹220 का प्रॉफिट होना है तो उसको कितने रुपए उस पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर आप स्कूल से सीखा स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और लॉन्ग मेथड हमको बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि हमको एग्जाम में बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमको जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। तो देखो, अगर आपने परसेंटेज क्वेश्चन सब्जेक्ट जो टॉपिक है मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम इसको कैसे कैसे मतलब हम दिमाग से कर सकते हैं। कि जैसे मैं बताता हूँ कि 6,000 रुपये का मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो जो वस्तु का MRP है वो है 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 में वो जो 25% का डिस्काउंट देता है तो समझ, एक चार इसके चार टुकड़े करो, मतलब चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा माइनस कर दो, यानी कि 1,500 का एक टुकड़ा, 1,500 का एक टुकड़ा बनेगा तो आप इसमें से -1,500 कर दो। ठीक है, तो आपके पास जो बचेगा वो डिस्काउंट करके वो सेल करेगा कितने में, ₹4,500 में। लेकिन ₹4,500 में क्या होगा, उसको 10% का लॉस होगा। ठीक है, तो 10% का लॉस होगा, यानी कि ये जो प्राइस है ये MRP का 90% है। ठीक है, ये MRP का 90% है। अगर ये 90% है तो 5×9=45 होता है, तो आप समझ जाओगे कि जो उसका ये है पैसा पैसा है जितने में खरीदा है उसने, वो ₹5,000 में उसने खरीदी है। मतलब ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, CP यानी कि लागत मूल्य। ठीक है, ये उसका लागत है, लागत उसका ₹5,000 है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम उसको ₹220 मिले, अगर उसको ₹220 का फायदा होगा तो यानी कि वो 200 प्लस यानी कि ₹5,220 में उस वस्तु को बेचेगा। अब आपको निकालना यह है कि 6,000 उसका MRP है और 5,220 में अगर वो बेचता है तो उसको डिस्काउंट कितना होगा। तो आपको सीधा सीधा करना क्या है, आपको 6,000 माइनस 5,220 और अपॉन में 6,000 क्योंकि उसका प्राइस है और 10%, तो इसे आपका क्या आ जाएगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, और 6,000 में से 5,220 गया तो आपका पास बचता है 780। ठीक है, 780 और डिवाइड बाय 60 तो ये 0 से 0 जाएगा और कितना होगा, 13×78। ठीक है, यानी कि 13% जो है आपका आंसर आएगा। अगर वो MRP पे उसका जो MRP लगा हुआ 6,000 अगर 13% का डिस्काउंट देगा तो वो वस्तु 1,200 5,220 में बिकेगी और उसको ₹220 का लाभ होगा। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन। अगर आपको सेशन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं ऐसे डेली क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, और करीब 11 बजे के आसपास आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा मैजिक मैथ्स ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।